अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हजरात, एंड अ वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई गेम कुछ इस तरह है कि यार आज है जुम्मे का दिन और मेरी और सना और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से जुम्मे तुल विदा बहुत मुबारक हो। खुशी भी होती है और गम भी होता है क्योंकि जो है वो अब रमजान का ये आखिरी जुम्मा है और फिर उसके बाद फिर रमजान खत्म हो जाएंगे चार पांच दिन के अंदर। तो बड़ा ही अजीब सा लग रहा है और सोच सोच के जो है वो हो रहा है कि यार रमजान खत्म हो जाएंगे, इफ्तारियां खत्म हो जाएंगी। एक रौनक थी, एक रहमत थी, बरकतों वाला महीना था, जबरदस्त महीना था और अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादतों को, नमाजों को, तरावियों को, दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप लोगों की भी इबादतें सारी कबूल हों और जो रह गई हैं तो वो अभी भी बाकी है तो वो कर लेना, कोई कोताही मत करना। तो एनीवे तुम लोग चैनल पे नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कमेंट लाइक जरूर 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 किया करो। हमारा जुम्मे का जैसे मैंने बताया कि आज दिन है कनाडा के अंदर, तो हम लोग इस वक्त अपने बच्चों के साथ, मैं अयान और सैफ के साथ जा रहा हूँ जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए और फिर जुम्मे की नमाज के बाद आपसे मुलाकात होती है। अयान साहब तुमने जुब्बा अपना पहन लिया है एज यूजुअल, अंदर कुछ पहना नहीं पहना? पहना है, चलो दैट्स गुड। भाई सलाम कर लो सबको, वालेकुम सलाम, जुम्मतुल मुबारक भी बोल दो, जुम्मतुल मुबारक। आ जाओ भाई सैफ, आ जाओ तुम भी आ जाओ, चलो भाई आ जाओ, शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई सैफ सलाम कर लो सबको, वालेकुम सलाम, जुम्मा मुबारक बोलो, जुम्मा मुबारक। वाह वाह, तो तुम भी तैयार हो गए हो, अयान भाई भी तैयार हो गए, चलो भाई हम लोग चलते हैं इंशाल्लाह अपनी नमाज के लिए, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह बाकी बातें बाद में। बढ़ाती है अल्लाह हाने नेमतें, है ये मग़फ़िरत और रहमत कमा नहीं और किसी माँ की यूँ अज़मतें, नहीं और किसी माँ की यूँ अज़मतें। अचानक मुअत्तर फिजा हो गई, मुखालिफ हवा दिल रुबा हो गई, लगा यूं के राजी खुदा हो गया, करम की कुछ ऐसी अता हो गई, करम की कुछ ऐसी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। A few moments later. भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हम लोग नमाज पढ़ के फारिग हो गए, बस अब घर चलते हैं और देखते हैं कि घर में क्या तैयारी चल रही है इफ्तारी को लेके। और वैसे मुझे आज कुछ ग्रोसरी भी लेने जाना है, वही यार सारा ईद का चक्कर चल रहा है। तो अभी एक और लड़के से भी मुलाकात हुई है, मेरे दोस्त का जो है वो दोस्त है वलीद पाशा, जो है वो उनके दोस्त हैं और यहाँ पे जो है वो काफी टाइम से रह रहे हैं, तो आगे चल के देखेंगे क्या सीन बनता है क्या नहीं बनता। चलो भाई अब हम चलते हैं घर, बच्चे बैठे हुए गाड़ी के अंदर, बड़ी जबरदस्त सर्दी हो चुकी है। चलो भाई, तो रमजान के महीने में हर मुसलमान की यही प्रायोरिटी होती है कि यार इस बाबरकत महीने के अंदर जितनी हो सकती है मतलब नेकियां समेटे, अब हर तरह से जो है वो उसका डबल ट्रिपल जो है वो आपको रमजान में सवाब मिल रहा होता है। वैसे तो रमजान के अलावा भी करनी चाहिए, जो नॉर्मल महीने होते हैं 11 महीने उसमें भी आप नेकियां करो तो भी आपको जो है वो काफी ज्यादा सवाब मिलेगा, मगर जो रमजान के सवाब की बात होती है वो अलग ही होती है और उसमें जितना हो सकता है आपकी जो साहिब हैसियत जो साहिब इस्तेदात हो आप जो है वो चैरिटी करें, ज़कात दें, फितरा दें और सदका दें, हर तरह से जो है वो जो जो आप जिस तरह भी कर सकते हैं गरीबों के लिए, अपनी मस्जिदों के लिए। हम लोग जैसे लोग बाहर की कंट्रीज में रहते हैं तो यहाँ पे मस्जिदों का थोड़ा सा होता है, मतलब दूर दूर होती है तो बेचारे वो फंडिंग को लेके थोड़े से परेशान होते हैं, तो जितना हो सकता है जो भी आपके इलाके की मस्जिद हो उसको आप जो है वो चैरिटी करते रहें, ज़कात फितरा डोनेशन जो भी जिस तरह होती है आप वो चीज़ें करते रहें, बहुत ही अच्छी बात होती है। तो मैंने सोचा एक छोटा सा जो है वो पब्लिक सर्विस मैसेज जो होता है ना, एक टाइप का चैरिटी का कोई दीनी मैसेज, वो भी दे देता हूँ लोगों को, ताकि जो है वो क्या पता मेरी कहने की वजह से शायद नॉर्मली वो दे दें तो बहुत ही उसका सवाब सभी को मिलेगा, आपको तो ऑब्वियसली मिलेगा जो लोग देते हैं और जो लोग हमारे कहने की वजह से देंगे तो शायद इनको भी मिल जाएगा। तो एनीवे अगर आप लोगों ने नहीं दिया है, चैरिटी करते रहते हो ऑब्वियसली सभी करते रहते होंगे, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, बट ये कि अगर नहीं किया है भूल गए हो कुछ है तो आप कर दिया करो, बहुत अच्छी बात होती है, सवाब मिलता है डबल ट्रिपल। मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं,
इमामुल अंबिया देखो, हबीबे किबरिया देखो, तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखो, इमामुल Two hours later. ये देखो भैया यहाँ पे जो है ना आज बेगम बना रही है इफ्तारी के लिए. भाई क्या बना रही हो? ये गोलगप्पे एंड पानी पूरी टाइप्स व्हाटएवर. पानी पूरी गोलगप्पे. ओके ये देखो भाई जबरदस्त खस्ता खस्ता लग रहा है. वैसे ये वाला हमारा तजुर्बा जो है वो हम लोग ऑस्ट्रेलिया में भी यही किया करते थे. सना इस तरह की चीजें ले आती थी जो पापड़ी टाइप के होते थे पैकेट्स, ये वाले पैकेट जो होते ये ले आती थी और फिर इसमें जो है ना वो उसको खुद ही घर में हम ऑर्गेनिक तरीके से मतलब जो भी कह लो वो बना लिया करते थे. और जो सोंठ का पानी होता था वो आई थिंक शान का हम लोग यूज करते हैं. हाँ, exactly. है ना पानी पूरी का जो मसाला आता है ये वाला. हाँ शान का ये वाला अच्छा होता है. हाँ. इसमें मतलब अच्छा पानी बन जाता है, जबरदस्त मजा आता है. जो कराची स्टाइल पानी पूरी होती है ना वो वाला टेस्ट आ जाता है. हाँ. नहीं तो फिर वो अजीब अजीब से टेस्ट आ रहे होते ना वो वाले जो पानी पूरी के डिब्बे में होते हैं अच्छे नहीं लगते. ये छोले और ये इसके छोले छोले हैं ये वाले छोले अलग से भी. हाँ तो बस अब हम लोग जाएंगे यहाँ से ग्रोसरी करने के लिए. मैं और सना कुछ गोश्त वगैरह हमें खरीदना था, कुछ बाकी रह गया था. बाकी चीजें हम लोग वॉलमार्ट से इधर उधर से जो सब्जी और फल की दुकानें होती हैं वो सब चीजें हम लोग लेकर आ गए थे. बट ये गोश्त का आइटम हमारा रह गया था. नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे हम लोग, कैलगरी के एक दुकान है वहाँ पे जो है वो हलाल मीट वगैरह मिल जाता है. तो वहाँ पे जाएंगे और चिकन गोश्त वगैरह सब कुछ वहां से लेकर आ जाएंगे. और फिर दोबारा ईद का देखते हैं यार कि ईद के ऊपर क्या प्लान रहता है क्या नहीं रहता, कोई आता है नहीं आता. क्योंकि कैलगरी में अगर देखा जाए इस वक्त हमारा तो यहाँ पे दोस्त या रिश्तेदार तो हमारे मौजूद नहीं है बहुत ज्यादा. इक्का दुक्का है तो उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान वगैरह गए हुए और बाकी जो लोग हैं वो बिजी हैं. कुछ लोग की ईद का भी मंजन होता है कि ईद कुछ लोग जो है वो चांद के हिसाब से मना रहे होते हैं और कुछ लोग जो है वो कैलेंडर के हिसाब से मना रहे होते हैं. तो आप लोग मुझे बताना आप लोग किस में से बिलोंग करते हो, कि चांद के हिसाब से मनाते हो भाई जैसे पाकिस्तान में हुआ करती थी या फिर आप कैलेंडर के हिसाब से मनाते हो. ऑस्ट्रेलिया में भी हम लोग थे तो कुछ लोग वहां पे भी चांद के हिसाब से और कैलेंडर के हिसाब से. सऊदी अरब कुछ लोग सऊदी अरब के हिसाब से मनाते थे, कुछ लोग टर्की वर्की के हिसाब से मनाते थे. पता नहीं अलग अलग सिस्टम हो रहा होता. बट ये कि जो हमारा अपना पर्सनल मानना है हम लोग जो है वो हमारी फैमिली वो हमेशा से चांद से मनाती आई है. ऑस्ट्रेलिया में भी जब हम लोग थे 10-12 साल वहां पे हमने चांद से मनाई है. पाकिस्तान में तो पूरी जिंदगी में चांद से ही हम लोग मनाते आए दुस्तुनत तरीका. और यहाँ पे भी कनाडा में भी इस लेगेसी को हमने अभी कैरी ऑन किया हुआ है. हमने लास्ट ईयर जब हम लोग मिल्टन में थे टोरंटो के अंदर तो हमने वहां पे भी चांद से ही मनाई थी. और इस साल भी इंशाल्लाह ताला कैलगरी के अंदर हम लोग चांद से ही मनाने वाले हैं. चांद ही देख के हम लोगों ने जो है वो रोजा रखा था. अब इसमें बहुत सारी जो है ना वो कहानियां हो जाती है, ये वो हो जाती है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है भाई. बट जो हम फॉलो करते हैं वो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ. तो एनीवे तुम लोग चैनल पे नए हो तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो. वीडियो को शेयर कमेंट लाइक जरूर 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 किया करो. तो चलते हैं फटाफट से ग्रोसरी लेने के लिए. भाई काफी टाइम हो गया, बेगम भी तैयार हो गई है. चलो भाई चलो ग्रोसरी लेने चलते हैं. ये देखो भाई सना ने यहाँ पे जो है वो सोंठ का पानी बना लिया था इसके लिए गोल गप्पों के लिए. ये तो बड़े जबरदस्त लग रहे हैं मुझे. खस्ता खस्ता करारे करारे गोल गप्पे. भाई गोल गप्पे वाला आया, गोल गप्पे लाया. ओ भाई यार ये वो चीजें ट्राई करनी जरूरी होती है ना इसीलिए. हाँ, तो ये सोंठ का पानी साथ ही इसमें मीठी वाली जो है वो चटनी और अभी मीठा दही बनाना बाकी है. तो मीठी पूरी के लिए है ना भाई. मीठी पूरी मुझे अच्छी लगती है, मुझे ऐसी फीकी फीकी अच्छी नहीं लगती. अच्छा चलो भाई साहब खा के देखो जरा. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करो. तुम्हारा रोजा तो लेनी आज, तुम खा के देख लो. अल्लाह हमारे सामने इससे पहले ही खाना लेकिन मैं बोल रहा कि रोज तक वेट कर लो. इसने वेट नहीं किया. चलो अयाम के बच्चे यहाँ से रोजा है लग रहा है. मैं खुद इसको निकाल के दूंगी देखो. चलो जी अयाम सब चखो. और देखो लीक नहीं करती बिल्कुल, कितनी मजे की है. नीचे नीचे नीचे. चलो जी खा भी लो. खा भी लो भाई इससे पहले कि निकल जाए सारी. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके खाया करो भाई. खट्टा खट्टा पानी जो पहली दफा जाता है ना मुंह के अंदर. मजा आया. चलो भाई मुबारक हो माशाल्लाह से. भाई क्या बात है. वैसे जो है वो मैं बच्चों को यही सिखाता रहता हूँ कि यार बिस्मिल्लाह करके खाया करो. और मतलब जब भी खाओ कुछ भी खाओ कोई भी निवाला लो बिस्मिल्लाह करके लो. तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कर लेते हैं, बाकी जो है वो अल्लाह मालिक है. आगे चल के हमारा काम है सिखाते रहना. एज अ माँ बाप हमारा काम होता है जिंदगी भर अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते रहना. आप लोग भी कुछ ना कुछ सिखाते रहते ही होगे. वैसे मुझसे रिलेट कर पाते होगे अगर माँ बाप होगे. इंशाल्लाह नहीं होगे तो जल्दी बन जाओगे. एनीवे तो बस चलते हैं और अपनी ग्रोसरी करते हैं. ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा
खुदा कोई और। आ गए भाई ग्रोसरी करने के लिए। थोड़ा बहुत हमने सोचा कि यार चलो इस दफा जो है वो बेगम को भी लेके चलते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करने का मूड है बेगम का। हाँ ना, एक्स्ट्रा खर्चा करने का मूड है मेरा, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी वाशिंग से किया है थोड़ी देर से पहले, और कुछ सामान होता है जो देसी स्टोर से मिलता है तो वही लेने आई हूँ मैं। तो ऐसा की ना जेब खाली करने का टाइम आ, स्पेशली ईद की वजह से शॉपिंग करनी है, क्योंकि अब जैसे ईद का मौका है उसमें एक्स्ट्रा कुछ चीजें बनाऊंगी मैं, हलवा पूरी वगैरह तो देखती हूँ यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, उसके लिहाज से कुछ सामान ले लेते। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने ग्रोसरीज वगैरह ले ली थी और दूसरी एक और दुकान गए, तो वहाँ पे हमें ये तुलसी मिली प्लस ये तपाल दानेदार का, बड़ी अच्छी हमें जो है डील पे मिलती है, तो उसी जो है वो कोई चीज हमें दूसरी जगह पे थोड़ी ज्यादा की मिलती है, हमने उसी प्राइस में ये ले ली तुलसी। और यार तुलसी कौन कौन खाता है कमेंट्स में बताएं, कौन खाता है शाही डिलक्स, शाही मेवा, शाही व्हाटएवर, जितनी भी शाही शाही आती थी, सेवन अप, सेवन अप, सेवन अप, क्या क्या चीज होती थी कराची वाले। तो भाई ये खास तौर पे मतलब कराची के लड़के लड़कियां जो है ना ये खाते खाते जो है हम लोग बड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और वो फिर इनको ना कचरे को अल्लाह माफ करे, हम बस ऐसे ही फेंक दिया करते थे इसके वापस को उठा के, जो कि बहुत ही गलत बात है। हाँ यहाँ पे हम ऐसा भाई ऐसा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक अच्छे सिटीजन बन जाते हैं और कोई गंदगी नहीं मचाते हैं बाहर, और अपने घर पे आते हैं डस्टबिन पे डाल देते हैं या फिर अपने पर्स के अंदर डाल देते हैं, तो ये चलता रहता है। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सारी आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आप सभी को जुम्मा दिल विदा बहुत ज्यादा मुबारक हो और ईद भी एडवांस में मुबारक हो। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ईद के लिए इस दफा भी इंशाल्लाह, हर दफा की ही तरह, और अपनी फैमिली से कॉन्टेक्ट करेंगे व्हाट्सएप वगैरह पे, इंशाल्लाह वीडियो कॉल से बात करेंगे। ईद के बहुत लंबे चौड़े प्लान्स तो हमारे इस वक्त तक नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ईद तो ईद ही होती है भाई, कुछ ना कुछ करके अपने बच्चों को तो फील करानी है। तो इंशाल्लाह ताला अयान और सैफ को भी जो है वो थोड़ा सा तैयार वैयार करके मस्जिद जाएंगे और वहां पे थोड़ी कम्युनिटी से भी मिलेंगे, मजा आएगा। जो हमारी अपनी माशरे से बन गई है मस्जिद में इतनी कम्युनिटी, तरावी पढ़ते पढ़ते और बहुत सारे लोग मिलने शुरू हो गए हैं, तो उन लोगों से भी इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। तो आप लोगों से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। इमामुल अंबिया।